अध्यक्ष महोदय, भाई करतार सिंह, भाई दर्शन सिंह, मेरे समस्त भाइयों, आज पूरे मध्य प्रदेश में अध्यापक संवर्ग की हालत ऐसी कर दी है राज्य सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह ने, के जिन पे जो मुसीबत गुजर रही है वे लोग जानते हैं। हमारे ओरछा में परमानंद यादव गुजर गए, उनको सिर्फ 50,000 रुपये के लगभग राशि मिली थी, इसके बाद जबकि उनका है जो आंशिक पेंशन भी कटने लगा था, कुछ भी मिलने से इनकार किया। सरकार कह रही है बच्चों को डीएड कर लो, बीएड कर लो, क्या क्या नियम आ रहे हैं, इस तरह से बहुत परेशान है परिवार। इस समय ऐसे दुख से गुजर रहा है, ऐसी परेशानी से गुजर रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। सरकार ने ऐसा चोला पहना दिया है अध्यापकों को, आज काश आज हम भी किसी गार्जियंस की मासूम संतान होते और हमारे गार्जियंस के साथ ऐसा गुजरता कि जब 20 साल 22 साल 18 साल हैं, इतनी सेवा सरकार की है, समस्त कर्मचारियों, समस्त जो भी नौकर पेशा है, सुनो मेरी बात, वास्तव में हमारे साथ अन्याय की लड़ाई हो रही है, अन्याय हो रहा है, इसलिए मुझे मध्य प्रदेश छोड़ के आपके दिल्ली आना पड़ा, नहीं तो हम लोगों को इतनी जरूरी नहीं थी। राज्य सरकारों ने मानवता छोड़ दी है, संवेदना नहीं है, हिटलर शाही है, पाना शाही है, इस तरह से हम लोग परेशान है। आज सोचिए आप, जो गार्जियंस मर जाए, मृत्यु हो गई, उसके बाल बच्चे हैं, आज अगर स्थिति ऐसी काश अपने साथ होती, हम तो कब किसी के साथ ना गुजरा गुजारे भगवान, लेकिन ऐसी स्थिति मान लो हम भी किसी टीचर की मासूम संतान होते, हमारे पास आज से कितना परेशानी होती, हम लोगों पर क्या गुजरती। हमारे सभी सहयोगियों से मेरी प्रार्थना है कि इस बात को समझे, यहाँ पर संख्या बल के लिए ऐसा संदेश दे, और यहाँ अगर राज्य सरकार ऐसा चाहती है कि हम बलिदान दें, हम शहीद हो, हम टावर पर चढ़े, हम आत्महत्या करें, तो क्या ऐसा चाहती है? जब वो हमारी मांगे क्यों पूरी करेगा? ये सही सोच रहे हैं हम तो, यही है उनकी, ऐसा नहीं। संवेदना पूर्वक हमारी मांग, हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भावना समझिए, संवेदना समझिए। ऐसे एक 284,000 परिवारों के साथ क्या छल कर रही है राज्य सरकार, इस तरह से बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग भी 20 साल से यहाँ, और भी पहले हम हड़ताल कर गए, और भी पहले रैली कर गए हैं, सबको मालूम है, इस तरह से बहुत परेशानी है, राज्य सरकार के कानों में जूनी रेंग रहा है। और क्या कहते हैं शिवराज जी, हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह, आप हमें इस सत्ता इसमें आगे है जो इस पंचवर्षीय के बाद सत्ता में आने तो दो, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। एक सत्ता में कर गई पंचवर्षीय, दूसरी आई, अरे भाई तुम लोगों को कोई कमी पैसों की कमी नहीं आने देंगे, कोई ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। इससे दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, अब चौथी आ रही है, लेकिन चौथी नहीं आने देंगे। हमारा पहला उद्देश्य है हमारी मांगे, हमारी मांगे, अध्यापक संवर्ग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारे जगदीश भाई, हमारे दर्शन सिंह, हमारे करतार सिंह, ऐसे ऐसे बातें और ऐसे ऐसे सच्चाई सुना चुके हैं कि हम लोग दुखित हैं, दर्दी हैं, हमें मालूम है कि हम लोगों के साथ क्या गुजर रहा है। इसलिए सभी लोगों से मेरा भी निवेदन है कि अभी 5 तारीख तक जब तक हमारी बात सुनी ना जाए, यहाँ से जाना नहीं है और यहाँ हड़ताल पेपर को जमा रहना है। सरकार निश्चित अपनी बात सुनेगी, अपन लोगों को सब एकता के साथ प्रयास करना है, निश्चित अपनी बात सुने सरकार, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।